आगरा सेन की बावली एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है जो नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास स्थित है। एक इस बावली में सीढ़ीनुमा कुएं में करीब 105 सीढ़ियां हैं। 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन ने इसे बनाया था। सन 2012 में भारतीय डाक अग्रसेन की बावली पर डाक टिकट जारी किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत भारत सरकार द्वारा संरक्षित हैं। इस बावली का निर्माण लाल गलुए पत्थर से हुआ है। अंगड़ तथा गड़े हुए पत्थर से निर्मित ये दिल्ली की बेहतरीन बावलियों में से एक है। करीब 60 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची इस बावली के बारे में विश्वास है कि महाभारत काल में इसका निर्माण कराया गया था। ये दिल्ली की उन गिनी चुनी बावलियों में से एक है जो अभी भी अच्छी स्थिति में है। जंतर मंतर के निकट हेली रोड पर यह बावली मौजूद है। यहाँ पर नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के लोग कभी तैराकी सीखने के लिए आते थे। बावली की स्थापत्य शैली उत्तरकालीन तुगल तथा लोदी काल 1/3-6 ईस्वी से मेल खाती है। 7-8 लाल गलुए पत्थर से बनी इस बावली की वास्तु संबंधी विशेषताएं तुगल और लोदी काल की तरफ संकेत कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस प्राचीन बावली को अग्रहरी एवं अग्रवाल समाज के पूर्वज उग्रसेन ने बनवाया था। इमारत की मुख्य विशेषता है कि यह उत्तर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर लंबी तथा भूतल पर 15 मीटर चौड़ी है। 9 पश्चिम की ओर 3 प्रवेश द्वार युक्त एक मस्जिद है। यह एक ठोस ऊंचे चबूतरे पर किनारों की भूमिगत दालानों से युक्त है। इसके स्थापत्य में व्हेल मछली की पीठ के समान छत चैत्य आकृति की नक्काशी युक्त 4 खंभों का संयुक्त स्तंभ चापस्कंध में प्रयुक्त पदक अलंकरण इसको विशिष्टता प्रदान करता है। 10 अग्रसेन की बावली दिल्ली का एक लोकप्रिय ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म PK के कुछ सीन यहाँ फिल्माए गए थे। इसका नाम सुनकर ये आप बिल्कुल न सोचे कि ये किसी धर्म विशेष से जुड़ा स्मारक है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में किसी काम से या घूमने के लिए आए तो अग्रसेन की बावली भी आ सकते हैं।